अल्टीमेटली आप ड्राइवर को पैसा देते हो अच्छी तरीके गाड़ी चलवाने के लिए ना, धोबी को पैसा देते हो अच्छी तरीके कपड़ा धोने के लिए, मोची को पैसा देते हो अच्छी तरीके जूता पॉलिश करने के लिए, नाई को पैसा देते हो अच्छी तरीके बाल कटवाने के लिए। तो ये जो सांसदों विधायकों को आप वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पेंशन सिक्योरिटी गार्ड फ्री एयर टिकट फ्री रेल टिकट दुनिया भर का सामान देते हो, उनसे क्या कर रहे हो? भारत को बर्बाद करवाने के लिए, भारत की संस्कृति को बर्बाद करवाने के लिए, भारत की परंपरा को बर्बाद कराने के लिए। अरे उनका काम है अच्छे अच्छे कानून बनाना, अच्छे अच्छे नियम बनाना, यही उनका काम है, इसीलिए उनको सब कुछ मिलता है। एक मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया है प्रशांत जी सुप्रीम कोर्ट में, अभी जुलाई में फिर सुनवाई होगी, उस पर मैं सोच रहा हूं उस पर चर्चा हो जाए। आप लोग अपने घर में बदलाव करते रहते होंगे, थोड़ा सोफा इधर कर दिया, थोड़ी कुर्सी इधर कर दिया, ये करते रहते नहीं करते रहते? जोर से बोलिए जरा, अपने घर की नींव बदलते हैं क्या? फाउंडेशन बदलते हैं क्या? और फाउंडेशन कब बदली जाती है? जब घर को गिराना हो, जब घर को डिमोलिश करना हो। मान लीजिए फ्लैट में रहते हैं, 25 मंजिला फ्लैट में रहते हैं, तो जिस फ्लैट पे जो व्यक्ति रह रहा है उसको यह अधिकार है कि अपना ड्राइंग रूम बड़ा छोटा कर ले, आगे पीछे कर ले, किचन शिफ्ट कर ले, सूर्य के यहां से वहां कर ले, मंदिर के इधर सुधर कर ले, वो सब अधिकार तो है। लेकिन उस 25 मंजिला मकान में रहने वाले किसी को अधिकार है कि क्या उस पूरी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बदल दे? और फाउंडेशन कब बदली जाती है? जब घर गिराना। भारत के संविधान की एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को प्रियम्बल कहते हैं, और लंबी चर्चा करने के बाद संविधान का प्रियम्बल तय हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, याद रखिए। 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, मुखर्जी साहब जो यहीं के रहने वाले थे बंगाल के, वो उपाध्यक्ष चुने गए। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें सबसे पहला काम यह होता है कि संविधान की फाउंडेशन क्या होगी। वैसे भी जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? फाउंडेशन, नींव, पहले तय करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे घर का। 9 दिसंबर 1946 को दिन भर चर्चा हुई संविधान की, प्रियम्बल क्या होगा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, संविधान की फाउंडेशन क्या होगी, उस दिन तय नहीं हो पाया। फिर 22 जनवरी 1947 को दोबारा चर्चा हुई और एक मत से 299 के 299 संविधान सभा के लोगों ने हमारा प्रियम्बल तय कर दिया, जिसमें लिखा हुआ इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सॉवरेंटी, ये तय हो गया। 15 नवंबर 1948 को एक प्रोफेसर केटी साहब थे, वो विदेश से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इस प्रियम्बल में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई इसमें तीन शब्द जोड़ देना चाहिए, सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल, ये तीनों विदेशी शब्द थे, विदेशी कॉन्सेप्ट था। दिन भर चर्चा हुई, डॉक्टर अंबेडकर ने उस चर्चा को कंक्लूड किया और एक मत से सबने रिजेक्ट कर दिया। इवन पंडित नेहरू ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि सब लोग कह रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं जो प्रियम्बल है वो ठीक है। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी साहब ने फिर से रिजोल्यूशन पेश किया, अमेंडमेंट मूव किया। उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल नहीं जोड़ सकते, तो केवल सोशलिस्ट जोड़ दो आर्टिकल वन में। आर्टिकल वन मतलब जहां लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर प्रस्ताव पेश हुआ, एक काम करो आर्टिकल 18 में सेकुलर जोड़ दो। उड़ीसा के पंडित लोकनाथ मिश्रा थे, उन्होंने उसका जबरदस्त विरोध किया, महाराष्ट्र के एचवी कामत साहब ने विरोध किया, फिर वो प्रस्ताव फेल हो गया। फिर 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने जो पहले से जो अप्रूव हुआ था उसी को दोबारा फिर से अप्रूव कर दिया। और संविधान सभा ने कहा आने वाली सरकारों को यह अधिकार तो होगा कि वो संविधान में संशोधन करें आर्टिकल वन और उसके आगे, लेकिन कोई भी सरकार प्रियम्बल को नहीं छेड़ेगी। यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का मूल ढांचा है, जो संविधान की फाउंडेशन है, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। यह संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 यानी रिपब्लिक डे के दो दिन पहले भी फाइनली भी कहा था।
आज की डेट में जो लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं, उनके पूर्वजों ने कैसे पाप किया, मार्च में 75 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दिया और बोला कि अब आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते अगले 6 साल तक। इंदिरा गांधी तुरंत भाग के आई, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं होगा, आप कोई डिसीजन नहीं लेंगी, आप एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करिए जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता, अगला प्रधानमंत्री तय नहीं हो जाता, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेंगी। लगभग वो सारी कंडीशन डाल दिया था जो कुछ दिन पहले भी केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अभी आपने सुना होगा केजरीवाल जी को जमानत मिली है, तो क्या कंडीशन थी, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, किसी चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिलोगे, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लोगे, यही कंडीशन उस समय इंदिरा जी को दी गई थी। 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कंडीशन लगाता है और अगले दिन 25 जून 75 को भारत में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। अकेला चैनल दूरदर्शन था, उसमें सुबह शाम केवल समाचार आता था, उसको भी बैन कर दिया जाता है। अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है, जो अखबार थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे थे, जो सब पक्ष में लिख रहे थे वो तो ठीक था, जो थोड़ा सा विपक्ष में लिख रहे थे उनका बिजली और पानी दोनों कनेक्शन काट दिया था। बेचारे पत्रकार उस समय घर से पानी लेके आते थे और किराए पे जनरेटर लेके पेपर छाप रहे थे। संविधान सभा 1950 में खत्म हो गई और लोकसभा का टेन्योर मार्च 76 में खत्म हो गया। ध्यान रखिए, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया और दिसंबर 76 में संविधान के प्रियंबल में वो शब्द जोड़ दिए गए जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, 400 पार हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सच्चाई तो यह है, हालांकि मैं उस पर कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर वास्तव में हम दोबारा उस प्रियंबल को फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं तो हमको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में, और वो तभी हो सकता है जब पहले मतदान करें फिर जलपान करें, अब की बार 100% मतदान करें। और क्यों? क्योंकि आपको अगर अलग अलग न हो 2/3 राज्यसभा लोकसभा में तो दूसरा एक ही ऑप्शन है कि आप ज्वाइंट सिटिंग बुलाइए, ज्वाइंट सिटिंग में 521 सांसद आपको चाहिए, इस समय राज्यसभा में 117 है तो 521 - 117 कितना हो गया, 404 ये चाहिए आपको। उसके बिना आप इस प्रियम्बल को रिस्टोर नहीं कर सकते जो इमरजेंसी के दौरान बदल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फैसले के बाद भी। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला गोलकनाथ का आया था 1967, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ बदल सकते हैं प्रियम्बल नहीं बदल सकते। फिर 73 में केशवानंद भारती का फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कुछ बदल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रियम्बल। तो सुप्रीम कोर्ट के 2-2 फैसलों को पलट दिया, संविधान सभा के सदस्यों की भावना को पलट दिया, डॉक्टर अंबेडकर जो कहते रह गए कि हम इसको बदलने का अधिकार नहीं दे सकते उसको पलट दिया। अच्छा, इसमें खतरा क्या है? संविधान सभा में चर्चा हुई थी कि क्यों अधिकार नहीं दे रहे हैं प्रियम्बल को बदलने का, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि एक बार अगर हमने प्रियम्बल को बदलने का अधिकार दिया तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, पर भगवान जाने क्या क्या लोग इसमें जोड़ देंगे और क्या क्या घटा देंगे। अगर प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ा जा सकता है तो 2 शब्द घटाया भी जा सकता है, अगर प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा भी जा सकता है तो कल को किसी के पास फुल मेजोरिटी आ जाए तो सोशलिस्ट सेकुलर की जगह हटा के उसमें शरिया भी लिख सकता है, कल को अगर बहुत जल्द बड़ी मेजोरिटी आ गई तो इक्वालिटी को हटा के अनइक्वालिटी भी कर सकते, जस्टिस को भी हटा सकते, डेमोक्रेसी को भी हटा सकते। इसलिए संविधान सभा ने कहा था कि नहीं, प्रियम्बल नहीं बदलेगा, मकान की फाउंडेशन नहीं बदलेगी, ऊपर के केवल स्ट्रक्चर बदले जाएंगे। दुर्भाग्यवश उसको किया गया, एक के बाद एक लगातार जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में 22 पार्ट में 22 चित्र बने हुए थे।
एक पार्ट में भगवान राम लक्ष्मण सीता, एक पार्ट में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट में भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं, एक पार्ट में राजा भरत की फोटो, एक पार्ट में राजा विक्रमादित्य की फोटो, एक पार्ट में राजा भगीरथ गंगा जी को उतार रहे हैं, एक पार्ट में गुरुकुल और नालंदा, एक पार्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक पार्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह, और उन सारे चित्रों की जो डिजाइनिंग हुई थी यही बंगाल से ही हुई थी, यहीं से डिजाइन किया गया था, और वो सारे चित्र एक पर्टिकुलर पर्पज के साथ थे। उदाहरण के लिए पार्ट 15 इसका इलेक्शन से रिलेटेड है, तो पार्ट 15 पे प्रशांत जी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो रखी। उद्देश्य क्या था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनका रजिस्ट्रेशन उस पार्ट 15 में होता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पर चलेंगे, और वोटिंग का राइट कहां से मिलता है वो भी पार्ट 15 से मिलता है, और मतदाता गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी को समझेगा, उनके आदर्शों को समझेगा, और फिर ये देखेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा उनके आदर्शों पे चल रही है उसको वोट करेगा। यह उद्देश्य था संविधान सभा में चित्रों को रखने का, छत्रपति शिवाजी महाराज और इनको चित्रों पर एक झटके से निकाल दिया। दोबारा हम क्या इन चित्रों को जोड़ना चाहते हैं क्या? जोर से बोलिए। अब दोबारा जोड़ने के लिए लोकसभा में दो तिहाई, राज्यसभा में दो तिहाई अगर अलग अलग ना हो तो संयुक्त रूप से 521, और वो तभी हो सकता है जब पहले मतदान करें फिर जलपान करें और अब की बार 100% मतदान करें, और केवल आपके सचेतन लोगों के मतदान करने से नहीं होगा, ये एक एक सचेतन को 100-100 अचेतन को जगाना पड़ेगा। आप अगर वोट दे के आए तो कोई फायदा नहीं, आपको तो एक बार अपना मोबाइल उठा के देखना पड़ेगा, आपके मोबाइल में अगर 500 लोग हैं तो प्लीज 500 मिनट देश के लिए खर्च करिए, एक एक मिनट के लिए फोन कर लीजिए। आउटगोइंग फ्री है अब तो, आउटगोइंग फ्री है